अक्सर जब हम वर्कआउट या देसी कसरत करते हैं तो वर्कआउट करते समय हमारे शरीर के मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं। हमारे शरीर के मसल टिश्यू ब्रेक होने की वजह से ही हमारे शरीर पर मांसपेशियां चढ़ती हैं, हमारी मांसपेशियां गठीली होती हैं, हमारा मसल मास बढ़ता है, मतलब हमारे एब्स डेवलप होते हैं, बाइसेप्स डेवलप होते हैं, ट्राइसेप्स डेवलप होते हैं, शोल्डर, चेस्ट, सब कुछ मसल टिश्यू ब्रेक होने की वजह से ही डेवलप होता है। जब हमारा मसल टिश्यू ब्रेक होता है और हम ऐसी डाइट नहीं लेते जो हमारा मसल टिश्यू रिपेयर करे, तो हमारा मसल ग्रो तो होता है लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि वर्कआउट करते समय जब हमारा टिश्यू ब्रेक होता है तो ये काफी समय लेता है हील होने में, और डेली वर्कआउट करने की वजह से हमारा मसल टिश्यू अच्छे से हील नहीं हो पाता है, अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, हमारे शरीर पे मसल मास नहीं चढ़ पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जो आपके मसल टिश्यू को तेजी से रिपेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पहला है नारियल पानी। अगर आप वर्कआउट करने के बाद में नारियल पानी पीते हो तो पहला तो ये आपके शरीर को हाइड्रेट करेगा, दूसरा ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा, और लास्ट ये आपके मसल टिश्यू को बहुत तेजी से रिपेयर करेगा। अक्सर आपने ये नोटिस भी किया होगा कि किसी को चोट लगने की वजह से या किसी के ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर अक्सर लोगों को नारियल पानी पीने के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज को, हमारे चोट को बहुत तेजी से हील करता है, बहुत तेजी से रिपेयर करता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके मसल टिश्यू तेजी से रिपेयर हो तो आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दो। इसके अनगिनत फायदे हैं जिसमें से एक है आपके मसल टिश्यू को रिपेयर करता है। और दूसरा है शहद। वैसे तो ये पोस्ट वर्कआउट डाइट और प्री वर्कआउट डाइट दोनों तरह से लिया जा सकता है, बस टाइमिंग का अंतर होता है, क्योंकि प्री वर्कआउट में आपको कम से कम एक घंटा पहले इसे लेना होगा। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं या आप रोटी पे लगाकर इसे खा सकते हैं। आपको वर्कआउट से पहले, मतलब प्री वर्कआउट के लिए कम क्वांटिटी में खाना होगा, 2 या 3 रोटी के साथ में आप खा सकते हैं, 4 से 5 ब्रेड के साथ में इसे लगा के खा सकते हैं, और वर्कआउट के बाद में आप इसे भरपेट खा सकते हैं जितनी आपकी भूख हो। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देगा ही देगा, साथ में आपके मसल टिश्यू को रिपेयर भी करेगा। तो भाई ये दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड हैं आपके मसल टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, या आपको वैसे भी कोई अंदरूनी चोट लग गई है, सूजन लग गई है या मोच हो गई है, तो आप लोग इन दोनों चीज़ों का सेवन कीजिए, आप लोगों की शरीर बहुत तेजी से हील करेगी। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।